क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। आप कहां हैं, कौन हैं, क्या आपकी जरूरत है, जिसका कलाम आप सुनेंगे वो आपको जानता है। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसका कलाम आप सुनेंगे वो आपको देख रहा है, वो आपको जानता है। और जब मैं आपको खुदा यीशु मसीह का कलाम सुनाऊंगा तो आपके दिल में ऐसा महसूस होगा कि वो मुझे प्यार करता है। इसीलिए इसको इंजील कहते हैं, इंजील सुसमाचार, अच्छा समाचार, अच्छी खबर, खुशखबरी। यह खुशी की खबर आपके दिल तक पहुंच जानी चाहिए कि वो आपको प्यार करता है और वो आपके लिए कुछ ऐसे काम करना चाहता है जिसके लिए आपका दिल प्यासा है। कलामी जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाइयों, दोस्तों, प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, मुझे मालूम है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बता दिया है, उनको वक्त मालूम है, ये वक्त जब मैं खुदा का कलाम आपके लिए पेश कर रहा हूं, वो मेरे लिए ही दुआ कर रहे हैं। जैसे मैंने उनसे अर्ज की है, कहा है, ये दुआ करो कि जो बातें मेरी जबान से निकलें वो खुदा मेरी जिंदगी में पैदा करता जाए, जो कुछ मैं आपसे कहूं खुदा वो मेरी जिंदगी में देख सके। और मेरी दुआ यह है कि जो कुछ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं उसका नतीजा ये हो कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी बरकतें आए जिन्हें दूसरे देखें और कहें, वाह वाह, ये खुदा ने कितना बड़ा मुजजा कर दिया, कैसा चमत्कार किया है। इस बहन को, इस भाई को खुदा ने कैसी खुशी दी है जो पहले थी नहीं, ये कैसी बरकत दे दी है जो ना खरीदी जा सकती है ना कमाई जा सकती है। और फिर आप ये कह सकें, अब मैं उसको पहचानती हूं, पहले मैं उसको जानता था, अब पहचानता हूं, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया है। दो किस्म के लोग खास तौर पर खुदा के कलाम में उनका जिक्र है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खुदा की पहचान नसीब हुई है, उनके लिए लिखा, अपने खुदावंद को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। पहचानने वाले,
उनकी जिंदगी में खुदा के काम होते हैं, खुदा की मोहब्बत के चमत्कार, खुदा की मोहब्बत के अजीब अजीब काम उनकी जिंदगी में होते हैं, और फिर वो मोहब्बत उनकी जिंदगी में एक दरिया बनकर बह निकलती है, दूसरों तक पहुंचती है। खुदा की मोहब्बत इस दुनिया का इलाज है ये। इस दुनिया में जो नफरत पैदा हो गई है, और जिस नफरत की वजह से तमाम दुनिया में एक हाहाकार मचा हुआ है, हाय हाय हो रही है, ये उसका इलाज है। खुदा को जानने वाले तो बहुत हैं, पहचानने वालों की जरूरत है कि जो उसको पहचानते हैं उनकी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत होती है, उनकी जिंदगी में खुदा के मोजज़ात होते हैं, तब्दील हो जाते हैं वो, उनकी जिंदगी में खुदा की ताबेदारी होती है, जिसकी वजह से लोग खुदा की बड़ाई करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से लोग खुदा की बड़ाई करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जिक्र है, जिनके लिए कहा गया है खुदा उनको पहचानता है, अपने पहचानने वालों को वो जानता है, खुदा उनको पहचानता है जिनको उसकी पहचान हो गई है, जिनको खुदा की पहचान हुई है उनको खुदा पहचानता है। जानने वालों में से तो शैतान भी है, लिखा वो खुदा को मानता है, जानता है सब कुछ एक वो भी इल्म है, लेकिन एक पहचान है। अगर किसी बड़ी भीड़ में मैं हूं और वहां उस भीड़ में मुझे अपना बच्चा दिखाई दे, अपना लड़का दिखाई दे, तो भीड़ में मैं बहुत लोगों को जानता हूंगा, लेकिन उसे देखती पहचान लूंगा, अच्छा वो भी आ गया मैं अपने बच्चों को पहचानता हूं, बहुत लोगों को जानता हूं, खुदा का शुक्र है सबके लिए, लेकिन मैं अपने बच्चों को पहचानता हूं, मेरे बच्चे मुझे पहचानते, मेरी आवाज पहचानते, फोन पर जैसी मैं बोलूंगा वो समझ जाते हैं कौन बोल रहा है, पहचान है एक। खुदावंद कहता है वो कैसे मुबारक लोग हैं जो मुझे पहचानते हैं, और कैसे मुबारक लोग वो हैं जिन्हें खुदा कहता मैं तुझे पहचानता हूं, बेटी बेटा मैं तुझे पहचानता हूं। खुदा उनको पहचानता, लिखा है अपने पहचानने वालों पर उसकी शफकत होती है। ये मैंने आपके सामने खुदा का कलाम पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, चूंकि उसने मुझे मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है, मुझे मालूम है किसका दिल मेरी तरफ है, किसका दिल लग गया है मुझसे, कौन मेरा आशिक है, मैं अपने आशिकों को पहचानता हूं, ये कह रहा खुदा। मुबारक है वो लोग जिन्हें वो देखकर कहता है इस दिल में मेरे लिए प्यार है, इस दिल में मेरे लिए मोहब्बत है, मेरे लिए। कैसे मुबारक हैं वो लोग जिनको वो पहचानता है कि ये मेरे हैं, जिन पर उसकी मोहर है, और खुदा चाहता है कि ये मोहर हर एक पर हो। उसने हर इंसान को जब पैदा किया तो अपनी शक्ल पर पैदा किया, अपनी सूरत उसे बख्शी, ऐसी हालत में पैदा किया कि वो खुदा को पहचान सके, खुदा की पहचान में बढ़ता जाए, और जो बढ़ते हैं उसकी पहचान में उन्हें वो जानता है। उसने मुझसे दिल लगाया है, खुदा उनको पता है किसका दिल उससे लगा हुआ है। कुदरती तौर पर हमारी मोहब्बत ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ है। हम उन बातों से मोहब्बत रखते हैं, उन बातों में हमारा दिल लग जाता है जो नीचे की है, जिन्हें नीचे छोड़कर जाना होगा, उनके लिए मोहब्बत है, पैसे के लिए, चीजों के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, इस दुनिया की तारीफ के लिए, तरक्की के लिए, अपने लिए मोहब्बत है, नीचे की चीजों के लिए। हमारी मोहब्बत का बहाव नीचे है, ऊपर की तरफ नहीं है, लेकिन जिनका दिल उठ रहा है ऊपर की तरफ को खींचता है, लहरें सी उठती हैं ऊपर की तरफ, मोहब्बत जोश मारती है खुदा के लिए, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए तरसती है। ठीक है, जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती, वैसी मेरी जान
जिंदा खुदा के लिए प्यासी है, उनको वो पहचानता है, उनको पहचानता है। खुदा यीशु मसीह ने यह कहा है कि जब वो इस दुनिया में दोबारा आएगा तो बहुत लोग होंगे जो आके बताएंगे कि उन्होंने उसके लिए क्या किया, उसके नाम से क्या कुछ किया है। क्या हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से मोजजात नहीं किए? ये तो बड़े अजीब काम है जो लोग करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो खुदा यीशु मसीह के नाम से करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो किसी और नाम से करते हैं। लेकिन वहां खुदा यीशु मसीह ने यह कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं, किए हैं तुमने काम ये सब, लेकिन मैं तुम्हें जानता नहीं, मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था, उस रिश्ते की वजह से तुम्हारा रास्ता सही नहीं था। कैसे मुबारक हैं वो लोग जिनको वो पहचानता है, जो उसे पहचानते हैं उनको वो पहचानता। देखो खुदा के कलाम में एक जगह से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ये इंजील में एक हिस्सा है करंथियों के नाम का, तो वो पहला करंथियों है, उसका 8वां बाब है और उसकी 3री आयत है। जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है, शुक्र है खुदा का बहुत लोग हैं जो उससे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन शख्सी तौर पर वो जानता है वो कौन है, वो मेरी बेटी कहां है। शायद वो आप हैं, आप हैं मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बहन, आपकी तरफ देख के कहता मुझे मालूम है तू मुझे प्यार करती, मुझे मालूम है तेरा दिल मुझसे लग गया है, मेरी बेटी मुझे मालूम है तू मेरे लिए प्यासी है। वो देखता है मेरे बेटे मुझे मालूम है तू हर काम में इस बात का ख्याल रखता है कि मेरी मोहब्बत कहीं खुदा से टूट ना जाए, कोई ऐसी बात जबान से ना निकल जाए जो उसे बुरी लगे, मुझे मालूम है तू मुझे प्यार करता। कैसे मुबारक है वो लोग हैं, कैसे मुबारक हैं वो लोग, कितने धनी हैं वो, कैसे धन्य हैं वो। जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है खुदा उसको पहचानता है। बहुत से काम हम खुदा के लिए करते हैं उसके पीछे खुदा की मोहब्बत नहीं है, उसके पीछे एक खौफ है, मोहब्बत नहीं है, उसके पीछे एक लालच है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हम पर रहम करेगा। एक सौदेबाजी है ये, मोहब्बत नहीं है। इंसान ऐसा बिगड़ गया, ऐसा फतूर पैदा हुआ है गुनाह की वजह से कि उसकी मोहब्बत नीचे की तरफ है, खुदा के लिए नहीं है। कुदरती तौर पर हम खुदा से मोहब्बत नहीं रखते, ये सच बात, देखते चले जा रहे हैं हम, बढ़ती चली जा रही है इंसान की मोहब्बत। और जब दुनिया की मोहब्बत होगी, मोहब्बत इधर होगी, तो उसका इजहार नफरत में होगा। कहते हैं लोग खुदा से मोहब्बत है लेकिन उनकी जिंदगी में नफरत ही नफरत है। खुदा पहचानता है, क्योंकि जिसकी जिंदगी में खुदा के लिए मोहब्बत होगी वो फर्क मोहब्बत है, वो मोहब्बत खुदा की तरफ से बख्शी जाती है। ऐसा लिखा खुदा के कलाम में, रूमियों के नाम का एक खत है, उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत में बहुत ही प्यारी बात बताई गई है। और मैं उसका मोहताज हूं, रात दिन उसके लिए मैं खुदा के जूर फरियाद करता हूं, आए खुदावंद मुझ पर रहम, हर रोज कर, बार बार कर, करता रहे। लिखा है रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है, खुदा का पाक रूह जो खुदावंद यीशु बख्शता है, उसके लिए लिखा रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है, ऊपर से डाली गई है, तब ये नीचे से ऊपर जाती है खुदा के लिए। ये खुदा की मोहब्बत है खुदा के लिए, क्योंकि खुदा ने कहा है कि तू अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख, खुदा से मोहब्बत रख, सबसे ज्यादा खुदा से मोहब्बत रख। है नहीं हमारे पास, हमारे पल्ले नहीं है ये मोहब्बत, हम तो अपने आप से मोहब्बत रखते। इंसान कहता है अच्छा मैं तुझसे मोहब्बत रखूंगा सो तू मेरे लिए ये काम कर दे, मेरे लिए ये काम कर तब मैं तेरी बात मानूंगा, मेरा हुक्म मान तो फिर मैं तुझे प्यार करूंगा। ये तो सौदेबाजी है,
इससे नहीं खुदा को खुशी होती, उनको पहचानता है खुदा कि कौन उसे कीमत दे के खरीदना मांग रहा है, कौन उसकी इसलिए इबादत कर रहा ताकि वो उसकी ताबेदारी करे, खुदा पूछे। और फिर अगर वो खुदा जवाब ना दे दुआ का तो फिर वो उससे नाराज हो जाए, मेरी तो सुनता ही नहीं जी, फिर किसी और को कोशिश करें, एक तरफ से काम ना बने तो किसी और से बनाने की कोशिश करें। खुदा उनको पहचानता है जिनके दिल में उसने मोहब्बत उंडेल दी है, वो अपनी मोहब्बत को पहचानता है। रूहुल कुद्स के वसीले से जो मोहब्बत डाली जाती दिल में, सारी दुनिया को उसकी जरूरत है। खुदा मोहब्बत है, नफरत नहीं। और यह मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह में जाहिर हुई है, वो है जो इस मोहब्बत को हमारे दिलों में उंडेलता है। जब वो उंडेलता है तो जैसे बोतल में पानी जाए तो हवा निकल जाती है, कोई चीज बोतल में जाएगी तेल डालेंगे तो उसके अंदर जो हवा थी वो बाहर निकल जाएगी, जब उसकी मोहब्बत अंदर उतरेगी तो नफरत निकल जाएगी। खुदा की मोहब्बत खुदा की सी मोहब्बत है। पहली बात, यह मोहब्बत खुदा के लिए है, सबसे ज्यादा खुदा को प्यार करेगा इंसान, अपने आप से ज्यादा खुदा को प्यार करेगा, क्योंकि हम तो अपने आप को प्यार करते हैं, मेरी मर्जी पूरी हो, मेरी दुआ सुन, मेरी मनोकामना पूरी कर दे, मैं और कुछ नहीं। और अगर खुदा मेरी मर्जी पूरी ना करे तो मेरा कोई उसके साथ ताल्लुक नहीं, तू नहीं देता किसी और से ले लेंगे, हम शैतान को सिजदा कर लेंगे, कर लिया लोगों ने और बड़े खुश हैं, झूठ बोलकर बड़ी जल्दी काम बन जाता, बेईमानी करके बड़ी जल्दी इंसान दौलतमंद हो जाता, हमें खुदा की क्या जरूरत है लेकिन कैसे मुबारक वो लोग हैं जिनको वो पहचानता है कि ये मुझे प्यार करती, ये मुझे प्यार करता, क्यों? उसने अपनी मोहब्बत उनके दिलों में उंडेल दी है। उस मोहब्बत की पहचान यह कि वो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, और हर एक ऐसी चीज जो खुदा को पसंद नहीं उससे वो नफरत करते हैं। जितना ज्यादा इंसान खुदा की मोहब्बत में बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वो बदी से और बुरी बातों से दूर होता चला जाएगा, उधर से रिश्ता टूटता चला जाएगा, इधर रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा। ये वो मोहब्बत है जिसका जिक्र इंजील में है, ये वो मोहब्बत है जिसका नमूना खुदावंद यीशु मसीह है। खुदा की मोहब्बत रूहुल कुद्स के वसीले से हमारे दिलों में डाली गई है, तो यह खुदा के लिए होती है, खुदावंद यीशु मसीह के लिए है, खुदा के पाक कलाम के लिए है। यह वो मोहब्बत है जिसके दिल में यह मोहब्बत है खुदा उसको पहचानता है। फिर इसी मोहब्बत का एक और इजहार होता है, वो होता है इंसान के लिए। कभी हो सकता है कि कोई खुदा को प्यार करे और इंसान को खाक भी ना समझे, इंसान को मिट्टी में मिलाए, ये खुदा की मोहब्बत नहीं है। खुदा की मोहब्बत खुदा के लिए भी है और खुदा की सी है, क्योंकि खुदा की मोहब्बत सब के लिए है। इंजील में बड़ी प्यारी बात खुदा के कलाम में बताई गई, खुदा ने जहान से मोहब्बत रखी तमाम दुनिया से, क्योंकि वही तो है जो इन दुनिया का पैदा करने वाला, वही तो है जो मोहब्बत रख सकता है, ये तमाम दुनिया उसकी मोहब्बत का इजहार है, इंसान उसकी मोहब्बत का इजहार है, जो कुछ आपके अंदर है उसके प्यार का इजहार है। अफसोस की बात यह कि हम उसको पहचानते नहीं है, लेकिन वो जो पहचान गए उनको खुदावंद पहचानता, इस मेरी बेटी को पता लग गया, इसने पहचान लिया मुझे, उसने मुझे पहचान लिया है, क्योंकि उनके दिल में खुदा की मोहब्बत उतर आई है। वो अपने मोहब्बत रखने वालों को पहचानता है, जानता तो वो सबको है, वो किसे नहीं जानता, उसके ज्ञान की कोई हद है, लेकिन यहां पहचानने का लफ्ज आया है, पहचानता उन्हें जिनका दिल उससे लग गया है, कहता उसने मुझे मेरा नाम पहचाना है। कैसे मुबारक वो लोग हैं जिन्होंने उसका नाम पहचान लिया है। क्या है उसका नाम? उसने अपना नाम इंजील में जाहिर किया है तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये गुनाह जिसकी वजह से इंसान खुदा को नहीं पहचानता, अंधा हो गया है, उसका इलाज खुदावंद यीशु है।
मुबारक है वो जिन्होंने उसका नाम पहचान लिया है, और खुदा के कैसे मुबारक वो लोग हैं जिन्होंने उसका काम पहचान लिया है, जो काम उसने किया है उसको पहचानते। उसने कहा था, मैं इसलिए नहीं आया कि यहां बादशाहत कायम करूं, मैं खिदमत लेने नहीं आया हूं, मैं खिदमत करने आया हूं, और मेरी खिदमत यह है। इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे और अपनी जान फिदिये के तौर पर गुनाहगारों को बचाने के लिए अपनी जान दे, इसलिए आया था वो। इसीलिए लिखा, खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। कैसे मुबारक है जिन्होंने उसका नाम पहचान लिया है कि वो यीशु है, क्योंकि वो यीशु के नाम से उसके पास आते हैं, यीशु का नाम लेकर दुआ करते हैं। उसने कहा, मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं वही करूंगा। उसका नाम पहचान लिया उन्होंने, मिल गया उनको ये नाम, उसका काम पहचान लिया, खुदा उन्हें जानता है। उनके दिल में खुदा की मोहब्बत उतर आई है जो खुदा के लिए है, उनके दिल में जो मोहब्बत उतर आई है वो खुदा की सी है, खुदा जैसी है, वो सबको प्यार कर सकते। लिखा, कहा गया था तुमसे तुम्हारी समझ के मुताबिक, तुम्हारे दिल की सख्ती के मुताबिक ये कह दिया गया था कि तुम अपने मोहब्बत रखने वालों के साथ मोहब्बत रखो, दुश्मनों के साथ दुश्मनी रखो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हारे दिलों में एक और किस्म की मोहब्बत उतार रहा हूं, तुम वो मोहब्बत मेरे अंदर देख सकते हो। ये कहा खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, दूसरों से मोहब्बत रखो। खुदा से मोहब्बत रखना एक बात है, मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, मैं खुदा की इबादत करती हूं, लेकिन कहता बात तो जब है ये मोहब्बत बह निकले, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख, दुश्मनों से मोहब्बत रखो, क्योंकि खुदा ऐसा है, नेकों और बदों दोनों पर सूरज चमकाता है, दोनों पर बारिश बरसाता है, सबके लिए उसका दिल खुला है। तो जब खुदा की मोहब्बत किसी के दिल में उतर आए खुदा के लिए, वो उसे पहचानता है। जब खुदा की मोहब्बत जाहिर होने लगे दूसरों के लिए, खुदा उस बात को पहचानता है। तो खुदा के लिए भी है, एक दूसरे के लिए भी है, दुश्मनों के लिए भी। जब किसी की जिंदगी में दुश्मनों के लिए ये दर्द पैदा हो जाए कि आए खुदावंद काश के इसे तेरी मोहब्बत का तजुर्बा हो जाए, आए खुदावंद ये तुझे जानता तो है मगर पहचानता नहीं। दुख देने वालों के लिए जब दिल से दुआएं निकलने लगें और खुदा की मोहब्बत तड़पने लगे अंदर, काश के इसे तेरी मोहब्बत का तजुर्बा हो, ये जो नफरत के बस में है इसे तेरी मोहब्बत बस में कर ले। जब इस किस्म की दुआएं दिल से निकलने लगती हैं तो खुदा उसकी तरफ को देख के कहता है, तुझे मैं पहचानता हूं, मुझे अपनी मोहब्बत की खुशबू आ रही है तेरे अंदर से। वो पहचानता है अपने मोहब्बत रखने वालों को। कैसे मुबारक वो लोग हैं जो उसको पहचान गए हैं, और कितने बेशकीमत हैं खुदा की नजर में वो बहन भाई, वो लोग जिनकी तरफ देखकर वो कहता है, मैं तुझे पहचानता हूं। इस पहचान में एक ऐसा खूबसूरत ताल्लुक है जिसकी वजह से वो खुदा को जब पुकारते हैं तो जैसे खुदा ने यीशु मसीह सिखाया, तो कहते हैं, आए हमारे बाप, आए हमारे बाप। बाप बेटे का ताल्लुक है रूहानी, जिस्मानी नहीं, जिस्मानी नहीं, कहीं इंजील में इस किस्म का जिक्र नहीं है। ये एक रूहानी रिश्ता है, रूह का जन्म होता है। लिखा, जितनों ने खुदा ने यीशु मसीह को कबूल किया है उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का इख्तियार बख्शा है। वो ना जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हुए ना इंसान के इरादे से, वो तो खुदा से पैदा हुए हैं। खुदा अंदर एक ऐसा रिश्ता कायम कर लेता है कि जब हम उसके पास आते हैं तो कहते, आए हमारे बाप, और जो उसे ये कहकर पुकारते हैं, आए हमारे बाप, उनको पहचानता, वो पहचानता।
आप कलामी जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, प्यारे भाई प्यारी बहन कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम, शायद कभी मुलाकात ना हो, लेकिन खुदा के घर मुलाकात होगी। यहां ना से ही वहां होगी, लेकिन मैं खुदा का शुक्र गुजार हूं कि मैं आप तक खुदा का प्यार पहुंचा सकता हूं, अपनी कमजोरी की हालत में सिर्फ उस पर भरोसा करके कि वो आपसे बात करेगा, आपके दिल का दरवाजा खुलेगा और रोशनी उसकी पहुंचेगी और आप उसे पहचान सकेंगे। आप कहेंगे ये तो मुझे प्यार करता है, अरे ये तो खुदावंद है, ये तो वो है जिसने मेरे लिए अपनी जान दी, हो ये तो वो है जो मुर्दों में से जी उठा है। आप हैरान रह जाएंगे और वो कहेगा मैं तुझे प्यार करता हूं मेरी बेटी, मैं तुझे प्यार करता हूं मेरे बेटे, तू मत डर मैं तेरे साथ हूं। कैसे मुबारक हैं वो लोग जो उसे पहचान गए हैं, और कैसे मुबारक वो हैं जिन्हें वो पहचानता है, देखता है और वो पहचान लेता है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। आपको पहचानता है वो जानता है आपको और आपको पहचानता है। और देखो उसने अपने पहचानने वालों के लिए कितनी बड़ी बरकत रखी है, बड़ी बरकत देता वो उन्हें इस दुनिया में भी और वहां भी। लिखा है पहला करंथियों 2 बाब और 9वीं आयत, तो उसमें ये लिखा है कि जो बातें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना इंसान के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। ना जाने क्या कुछ तैयार कर रखा मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन प्यारी बेटी, क्या क्या उसने तैयार किया हुआ आपके लिए। अरे जिस दिन आपको उसकी पहचान हो जाएगी उसी दिन आप धनवान हो जाएंगी। जो बातें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना इंसान के दिल में आई, वो सब खुदा ने उनके लिए तैयार कर दी जो उससे मोहब्बत रखती है। फिर देखो खुदा ने यीशु मसीह ने कितनी प्यारी बात कही है अपने पहचानने वालों के लिए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो मुझ पर भी ईमान रखो, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो मुझ पर भी ईमान रखो, तुमने पहचान लिया है, तुमने मेरा नाम पहचाना है, तुमने मेरा काम पहचाना है, अब देखो मैंने क्या किया तुम्हारे लिए, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम ना डरो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। इस दुनिया में ना जाने कैसी कैसी बरकतें उसने तैयार की हैं, वहां के लिए जगह तैयार की है। आप उसे पहचानते हैं? वो आपको पहचानता है अगर आप उसको पहचान गए हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन आपने सुन लिया खुदा का प्यार, ये मौका है अपने आप को उसके सुपुर्द कर दो।